आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टेक फोरी में। आज हम फिर एक और वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का रेड बटन आपके वीडियो के नीचे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सेहत से रिलेटेड और भी ऑनलाइन सेवाओं से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि CSC में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है CSC के पोर्टल में। तो जैसा कि हमने आपको पहले एक वीडियो बना के जैसा कि ये दिखाया था, इसमें बताया था कि CSC पे काम चल रहा है, CSC मेंटेनेंस में है और उसमें अभी ट्रांजैक्शन ना करें क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। तो CSC में इसी बीच में इतना बड़ा बदलाव किया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसा कि हम आपको दिखा दें सीधा CSC पे, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं CSC का ए पोर्टल इस तरह से अब नज़र आ रहा है, नया पोर्टल। तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है नया पोर्टल है। तो इसमें बहुत सा बदलाव किया, बहुत सारा बदलाव किया गया है। जब आप अपनी लॉगिन आईडी से इस पर इंटर करोगे तो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेगा, स्टार्ट में थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आएगा। तो डैशबोर्ड आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने न्यू सर्विस जो यहाँ पर आई है जल्द से, तो उन्हें यहाँ पर कुछ शो किया गया है, दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो जो न्यू सर्विस यहाँ पर इन्होंने लॉन्च की है उन्हें, और यहाँ पर आप जब सर्विस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सर्विस ऑप्शन आपको मिल रहा है, सर्विस पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर न्यू सर्विस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जैसा कि न्यू येलो कलर में दिया है तो यहाँ पर न्यू आपको सर्विस देखने को मिल जाएंगी। जो न्यू सर्विस आई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। पॉपुलर सर्विस देखना चाहते हैं तो पॉपुलर पर क्लिक करें, आपको ग्रीन कलर में जो भी इसमें पॉपुलर CSC में पॉपुलर सर्विस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बाकी जो भी सर्विस आप देखना चाहते हैं जैसे आधार कार्ड, एग्रीकल्चर, बाजार और जो भी एजुकेशन, इलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंस, जो जिससे रिलेटेड सर्विस देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से पोर्टल को बहुत ही अच्छी तरीका से बनाया गया है, क्योंकि पिछला जो पोर्टल था उस पर समझ में नहीं आता था कौन सी नई सर्विस आई है, कौन सी कैसी सर्विस है, कौन सी अच्छी है, कौन सी चलाने लायक है, नहीं चलाने लायक है। पहली बात न्यू सर्विस आती थी तो समझ में नहीं आता था कहाँ पर न्यू सर्विस आई है, कोई नहीं आई है और कहाँ पे है, ढूंढना पड़ता था। तो इसलिए इन्होंने पोर्टल में चेंजिंग किया है। यहाँ पर आपको बैलेट देखने को मिल जाता है जिसमें आपको बैलेट बैलेंस ऐड कर सकते हो, समरी वगैरह यहाँ पर दिया गया है, पासबुक, यहाँ पर आपको बैलेट लेडेज रिफंड कैशबैक, आपको जो भी रिफंड वगैरह कैशबैक वगैरह आपको जिसे बाई चांस आपका बैलेंस कट जाता है और ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो उसमें रिफंड वगैरह आता है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर जो भी करते हो वो यहाँ पर आपको हिस्ट्री की उसकी मिल जाएगी, अकाउंट आपका यहाँ पर से नज़र आएगा। सपोर्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत अगर होती है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो आप। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से इस डैशबोर्ड को बनाया गया है। मैं ये नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि हो सकता है कुछ दिक्कत आई हो, उसके लिए मेंटेनेंस पर साइड को लिया गया है, मगर साइड को वर्जन ही चेंज कर दिया गया है साइड का, क्योंकि हम आपको दिखा सकते हैं डीजीमेल में मेल आया उसी वजह से मैंने इसे वीडियो को आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो DG version 2, जो पहले इसका वर्जन था वर्जन 1 था, तो वर्जन 2 लेकर के आए हैं हमारे लोगों के लिए। तो इसी मेल को मैं देखकर आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पर हमको बताया और समझाया है, और काम करने भी मैं भी अच्छा लगेगा इस पोर्टल पर। ये पोर्टल पिछली याद दिलाता है, जैसे जो हमारा अपना CSC का पोर्टल था उस टाइप से ये पोर्टल आया, क्योंकि अपना CSC में जो भी न्यू सर्विस आती थी तो उसके ऊपर एक रेड कलर का बटन टाइम में नहीं जो न्यू लिख के आने लगता था, तो उससे मालूम पड़ जाता था कि ये नई सर्विस आई है। और इस पोर्टल में अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ता था न्यू सर्विस क्या आई है, ढूंढना पड़ता था कि कौन सी न्यू सर्विस है कौन सी पुरानी सर्विस है। तो
तो अब इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर न्यू सर्विस आएगी तो आपको न्यू पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी इसे चला कर देख लीजिए, क्योंकि ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा, बाकी ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो भी लगा सकते हो, यहाँ पर आपका नाम दिया होगा और मेल आईडी दी है, जो डीजीमेल की है वो मेल आईडी दिया होगा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस पोर्टल पर आ सकते हो और काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगेगा आप काम करते हुए भी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो अगर के इसमें कुछ छूट गया है या कुछ जानना चाहते हो, तो उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।